प्रार्थना सभा में उपस्थित अपने पीयूष वर्षीवाड़ी में ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने वाले परम आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका और माँ हंसवाली की गोद में पुष्पित पल्लवित होने वाले हमारे होनहार बच्चे, आज विलीन सूर्य की किरणों के साथ हम आप सभी का को सुप्रभात कह रहे हैं और अपने निरंतर प्रवाहमयी वाणी की सम्मान यात्रा के साथ माँ हिंदी को नमन करते हुए आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको हम यह बताना चाह रहे हैं, 5 मिनट का समय लेंगे और अपने धैर्य की परीक्षा देते हुए आप खड़े रहें, आशा उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को सुनेंगे। सबसे हैरत इस बात की होगी कुछ लोगों को कि हिंदी तो एक शाश्वत भाषा है, इसका जन्म दिवस कैसे हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ किसी न किसी कारण विशेष होता है, तो हिंदुस्तान देश में हिंद देश में उत्पन्न या हिंदवी के नाम से हिंदी के नाम से जाने जाने वाली भाषा जो हिंदुस्तान में उत्पन्न हुई, यही इसका उद्भव हुआ, यही इसका विकास हुआ और 14 सितंबर 1949 को आज का दिन हिंदी दिवस के नाम से घोषित हुआ, इसलिए हम इसको हिंदी दिवस के नाम से आज की तारीख को जानते हैं। बच्चों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जब भारत परतंत्र था और स्वतंत्र होने के बाद 12 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में एक बैठक हुई और लगभग 24 घंटे तक इस पर बहस हुई, लोगों ने अपने अपने अपील दर्ज किए, तर्क दिया, वितर्क किया कि नहीं, हमारी जो संविधान है वह संविधान किस भाषा में लिखा जाए और किस भाषा में लिखकर के इसको पारित किया जाए। तो तमाम शिक्षाविद, हिंदी के जानकार और मनीषी और राजनेता हमारे देश के संविधान में उपस्थित हुए और 12 सितंबर 1949 को शाम 4 बजे से बैठक हुई, 13 को पूरे दिन हुआ और 14 सितंबर दिन 12 बजे दोपहर में यह पूरी तरह से घोषित किया गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित करते हैं। आपको हम यह बताना चाह रहे हैं, क्लास 9 अंशु, 1 मिनट मेरी बात सुना जाए कि हिंदी हमारे और आपके मन से मानवीय रूप से राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसको हम राष्ट्रभाषा के नाम से नहीं जानते, ये राजभाषा। आप जानते हैं हिंदी में तमाम भाषा लिखित, मौखिक, सांकेतिक, संपर्क, मानक, राष्ट्र, राज, मात्र, तमाम भाषाएं का नाम है, लेकिन राजभाषा का मतलब जिस भाषा का हम जो है कार्यालय में, न्यायालय में लेखा जोखा हिंदी या जिस भाषा में करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह है जिस भाषा में हम आपकी बात को समझते हैं, आप मेरी बात को समझते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, आप मैथिली बोलते हैं, लेकिन जैसे ही शुद्ध खड़ी हिंदी हम बोलते हैं आप तुरंत मेरी बात समझ जाते हैं और मैं आपकी बात समझ जाता हूं। इसलिए कहीं बात करते समय आप एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में यह नहीं कहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा जहां पर लिखित तौर पर देना पड़े वहां लिखेंगे हिंदी राजभाषा है, वैसे मानवीय मूल्यांकन के तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा है। और दुर्भाग्य यह है कि इतना जानते हुए जिस आंगन में हम पले बड़े हैं, यानी आपके क्षेत्र में नागार्जुन जी हैं, विद्यापति जी थे, दिनकर जी विश्व प्रसिद्ध, उनको कौन नहीं जानता, रामवृक्ष मेनीपुरी को आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर के हैं और सतखा गांव में ये रहने वाले नागार्जुन जी, आपके आप जिस आंगन में रहते हैं हिंदी का उद्भव यहीं से हुआ, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है जो हम आप उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अंग्रेजी भाषाओं में ही हिंदी के महत्व को बताया, उजागर किया, आशा और उम्मीद किया कि आने वाले जो भावी संतति है वो हिंदी के महत्व को उत्तरोत्तर बढ़ाती जाएगी और बढ़ भी रहा है। आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 900 शब्दों का समावेश करते हुए हिंदी ने अपना जगह बना लिया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हमने नहीं लिखा, या किसी 105 शिक्षक आपके दरभंगा में हैं हिंदी के जो गवर्नमेंट या सरकारी हैं, वो भी नहीं लिखे, लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 900 शब्द बढ़े हैं। अभी हाल में अच्छा शब्द, सुविचार और सूर्य नमस्कार, बापू,
और दिव्यांग, सुविचार, तमाम ऐसे शब्द हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपने जगह को बरकरार रखा और हिंदी के महत्व को बढ़ाया। आज के 10 साल पहले कृत और तद्धित दो प्रत्यय हुआ करते थे, अभी आपने किताबों में देखा कि 5 कृत और 9 तद्धित, 14 हो गए, 2 से 14 हो गए, रस 9 हुआ करता था, 11 हो गए, है ना। तो हमारी हिंदी जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय 32 करोड़ जनसंख्या में 14 करोड़ लोग हिंदी जानते थे। हमारे भारतवासी अल्पज्ञ थे, उन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं था, वे अपनी भाषा में केवल बोलते थे जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, इसलिए उनको ज्ञान नहीं था। इस समय 130 करोड़ में लगभग 74 करोड़ जनसंख्या हिंदी बोल रही है। तो आप यह जान लीजिए कि दिन प्रतिदिन हिंदी की जो मर्यादा है, इसका जो उत्थान है, इसकी जो प्रगति है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम यह आशा उम्मीद करते हैं कि हम और आप, पूरा विद्यालय परिवार ने, पूरा हिंदुस्तान के लोगों को आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी की गौरव गाथा और हिंदी के सम्मान को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी की जो आस है वही आस हमारी पहचान है, वही हमारी गरिमा है, जिससे हम विश्व में जाने जाते हैं। इसलिए हिंदी को बोलने में बेइज्जती नहीं, अपना दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य समझिए कि आप हिंदुस्तान के हैं, आपकी पहचान। मैं किसी भाषा का जो है तिरस्कार नहीं कर रहा, लेकिन जिस देश का आप निवासी हैं, जहां से यह उत्पन्न हुई, आज का दिन पूरे भारत वर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इसको विश्व में दर्जा नहीं मिलता तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता। इस रूप में हम फिर आपसे मिलेंगे 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हमको या हमारी हिंदी माँ भाषा को पूरे विश्व में दर्जा मिला हुआ है। पहले केवल भारत, पाकिस्तान, नेपाल में हिंदी बोली जाती थी। अगर हिंदी का दर्जा आगे नहीं बढ़ता तो विज्ञान और गणित का छात्र होते हुए कुमार विश्वास, कविता कुमारी और शंभु शिखर, तमाम जैसे आपके क्षेत्र के लोग हिंदी में जगह बना करके मॉरिशस और अफगानिस्तान नहीं जाते। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो सम्मान मुझे दूसरे विषय में नहीं मिला, वो सम्मान मुझे हिंदी से मिला। मानते हैं आप हर जगह हर विषय से सम्मान लेकर के जगह बना सकते हैं, दुनिया की ऊंचाइयों पर जाइए, जो चंद्रयान नहीं हो पा रहा उसको आप प्राप्त कीजिए और अपना नाम अंकित कीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन माँ हिंदी को, अपनी माँ को तिरस्कार मत कीजिए, पहले इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि भाषाएं और माताएं अपने बेटों से, अपने परिवार से महान बनती है। जिसका अपने परिवार में कोई इज्जत नहीं है, कोई स्थान नहीं, उसका कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए हम सभी छात्रों से, सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि हिंदी के सम्मान को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं और एक दूसरे को इसके महत्व को बताएं। आइए हिंदी के महत्व को थोड़ा हिंदी की भाषा में जानते हैं। और ये मैं नहीं, माँ हिंदी की कृपा है जो कहना चाह रही है कि हिंदी जन जन की प्यारी भाषा है, ये तो जीवन की अभिलाषा है, इसके बिना जीवन थम जाए, ये तो जीवन की परिभाषा है, ये तो जीवन की परिभाषा है। धन्यवाद। रुको, बहुत अच्छी बात। आप मर्यादाओं को ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो है परीक्षा का समय है, ऐसा वैसा समय नहीं। आपकी ताली बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगा कि हम सफल हैं बोलने में और आप यहाँ मौजूद हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक पंक्ति और आपको हम बताना चाह रहे हैं। हिंदी है क्या? तमाम लोग कह देते हिंदी मतलब कुछ नहीं। हाँ, मानते हैं कि आज के परिवेश में स्वार्थ पड़ता, कमाऊ विषय नहीं है, लेकिन ये कमाने के लिए आपको संस्कार, सम्मान, ये सब आपको यही सिखाते हैं किस प्रकार हम संस्कार में बढ़ेंगे, संस्कृति को जानेंगे, सभ्य होंगे, तब आप दूसरे विषय को पढ़ सकते हैं। जब आपको हिंदी बोलना नहीं आएगा, दूसरी की बात समझेंगे ही नहीं, समझा ही नहीं पाएंगे, तब व्यर्थ। इसलिए पहले इसको स्थान दीजिए, फिर आपकी जो संपर्क भाषा है, अंग्रेजी है, उर्दू है, सब रखिए, लेकिन इसको पहले ध्यान दिया जाए। तो ध्यान दीजिए कि मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है, क्या है माँ की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है।
सुबह में माँ के भजन हो, रात में दादी की लोरिया, हमारे ख्वाब का बिस्तर हमें हिंदी दिखाती है। अरे वाह, बस बस, बहुत अच्छी होती है जलेबी, लेकिन पेट भर ही खाइए, ज्यादा खाएंगे नुकसान होता है ना। तो एक पंक्ति और, आपकी ताली के नाम, हिंदी माँ के साथ सरस्वती जी हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ कैसे है? कि किसी को सह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, किसी को सह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है, हमारे साथ सुनने की ललक जिसने लगा गाली। हमारे काप सुनने की ललक जिसने लगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। मैंने क्लास 10 के बच्चे को देखा, मैं छत पर खड़ा था और वो कोचिंग पढ़ के जा रहा था, मैं बहुत खुश हुआ। थोड़ा सा नाराजगी मुझे लगी कि ये मैथमेटिक्स केमिस्ट्री साइंस जो भी पढ़ के जा रहा है लड़का, उसे ये चिंता नहीं है कि मैं होमवर्क में गृह कार्य में कैसे करूंगा। वो क्या गा रहा था, एक पंक्ति नहीं उसके, उसका मैं बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं, परिहास नहीं, लेकिन मुझे ये गर्व है कि उसने जो कविता बनाई वो हिंदी बनाया। कि इसने मेरा काम बिगाड़ा, इसको न हम बिसराएंगे, चाहे जितने बड़े हो घर का, इससे हम टकराएंगे। अच्छा ठीक है, तो आज हमारा विद्यालय परिवार और सभी छात्र, सभी लोग यह संकल्प लें कि हिंदी के विकास